खेती किसानी को बचाने के लिए सड़क पर बैठा है किसान। अब इस किसान आंदोलन में SYL का मुद्दा घुसाने के लिए भाजपा ने उपवास की रणनीति अपनाई है। आज अलग अलग जगह भाजपा नेता SYL का पानी लाने के लिए उपवास कर रहे हैं। भाजपा के उपवास का जवाब देने के लिए किसानों ने मौन शुरू कर दिया है। टिकरी बॉर्डर की स्टेज पर दो किसान आज पूरी तरीके से मौन धारण कर बैठ गए हैं। ये मौन धारण कर इसलिए बैठे हैं कि जो किसानों के हक की लड़ाई है, उस किसानों के हक की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। SYL के मुद्दे पर किसानों को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उस तोड़ने के प्रयास को जवाब देने के लिए ये किसान मौन पर बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर पे जो धरना स्थल है, उसकी स्टेज पर ये किसान मौन धारण किए हुए बैठे हैं। किसान नेता हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगेंद्र नैन, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। आज भाजपा उपवास कर रही है, कह रही है कि SYL का पानी दो, उसका क्या जवाब दें? मैं जोगेंद्र चौधरी घासीराम नैन, BKU प्रधान, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। जो आज भाजपा को आज आंखें खुली हैं कि भाई SYL का पानी पंजाब से ला करके देंगे आप लोगों को, मैं ये पूछता हूँ जो उपवास कर रही है वो भाजपा के वर्कर ही भाजपा सरकार के खिलाफ उपवास कर रहे हैं? उनको ये समझ में नहीं आती कि जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जनता की मांग SYL की मुद्दे की नहीं है, आज जो तीन काले कानून है उनके रद्द करवाने के लिए किसान देश के बजाय अब तो पूरे विश्व का किसान भी इसमें शामिल होने लग गया। प्रधानमंत्री जी को सलाह देते हैं, आप लोगों के माध्यम से हमने पता भी आप लोगों को कि भी हमने यहाँ हवन यज्ञ भी किया था। हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उनको सद्बुद्धि दें। आज भी BJP के सीनियर लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह डुम्बरखा जी, वो भी उन्होंने भी कल मौन व्रत किया था। वो भी कहते हैं कि 140 साल हो गए छोटू राम जी को जन्म हुए, 140 व्यक्ति मौन व्रत धारण करेंगे। रोहतक में जो सांपला में उनका बड़ा स्टैचू है, मैं उनके आप मीडिया के माध्यम से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो किसानों के बड़े लीडर हैं, BJP में भी शामिल हैं, उनके पुत्र आज हिसार से सांसद हैं, उनके धर्मपत्नी जी ने उच्चारण विधानसभा से चुनाव लड़ा, पीछे भी राजनीति में लंबे समय से हैं, वो भी इस तरह के मौन व्रत की बजाय अपने पुत्र से या अपने सीनियर लीडरों से प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करके इस जो काले कानून के विरोध में लाखों लाखों की संख्या में किसान हरियाणा का, बल्कि आज तो सारे पंजाब, UP, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, उनको प्रधानमंत्री जी को समझाए। वहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। फिर जो जी आज ढोंग कर रही है BJP, गांव-गांव जाकर के विरोध कर रही है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों ने बिल्कुल बैरिकेड लगा दिए हैं, बैनर लगा दिए गए हैं कि जो किसानों के साथ होगा वो गांव में एंट्री कर सकेगा, वरना तो किसान उनको गांव में एंट्री करने नहीं देंगे। मौन पे भी बैठे हैं कुछ लोग, मौन भी कर रहे हैं। हाँ, ये अपने एक तरफ तो स्टेज से भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ मौन पे बैठे हैं। ये स्टेज का जो रूटीन का काम हमने हारा, उस दिन से 24वें दिन में प्रवेश कर गया है, ये चल रहा है हमारा। ये जो मेरे दो साथी किसान साथी हैं, एक हरियाणा से एक दिल्ली से है, वो उनको जनता को प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि किसान को जो उग्रवादी आतंकवादी भड़कीले बयान देने वाले कहते हैं, ये हमारा किसान बिल्कुल शांति में तरीके 24वें दिन में प्रवेश कर गया है, किसी भी तरह का कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं किया, ये बिल्कुल शांति में तरीके से मौन व्रत धारण कर बैठे आज 11 से 7 बजे तक। हाँ, उसका जो उधर BJP के ढोंग कर रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। BJP के उपवास का जवाब देने के लिए दो किसान मौन पर बैठ गए हैं, ये बताने के लिए कि किसान सिर्फ एक मकसद के लिए बैठा है इन सड़कों पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ। कल उन किसानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा जो इस आंदोलन के दौरान काल का ग्रास बन गए, किसान आंदोलन में शहादत दे गए, उसको लेकर भी बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन राजोवाला के जो महासचिव हैं प्रगट सिंह जी, आप बताइए कल श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम क्या गया, क्या तैयारियां? बिल्कुल जी, 20 तारीख को हमने दिया है, तो जो हमारे इस आंदोलन में संघर्ष में तीन काले कानूनों के खिलाफ जो संघर्ष विडा है उसमें हमारे किसान शहीदियां प्राप्त कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो कल हमने कॉल दिए पूरे भारतवर्ष में, तो सुबह हम 11 बजे स्टेज शुरू करेंगे, 10-15 मिनट जाप करेंगे, मौन रखेंगे, उनको श्रद्धा से सुमन भेंट करेंगे, श्रद्धा के फूल भेंट करेंगे, वहाँ से स्टेज की कल की शुरुआत होएगी। और दूसरी बात, जो मोदी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया कह रहे तोमर साहब, तो जो उन्होंने चिट्ठी कल छाया की है, तो हमने एक एक पॉइंट पर उसको पढ़ा है, तो मैं समझना इनका दिमागी तमाजन ठीक नहीं है। इस करके 5 मीटिंगों हमारे साथ हुई इनकी, हमारे आगू से, तो 5ों मीटिंगों में ये बता रहे थे, अब लोगों को क्या बताएंगे? मोदी जी कह रहे हैं कानूनों के फायदे गिना रहे हैं, तो 5 जून से लेकर
अभी तक कोरोना की ढाल में ये इसने आर्डिनेंस जारी किए और हिंदुस्तान राज्यसभा डेमोक्रेसी का कत्ल करके वाइस वोटिंग राही उसको पास किया, राष्ट्रपति से जल्दी जल्दी पास करवा लिया। तो और आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं? वो कह रहे किसानों से बात करेंगे, तो पूरे इंडिया के किसान तो बॉर्डर पर बैठे हैं, तो क्या बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम ये बात करनी, मन की बात करनी तो हमारे बीच प्रधानमंत्री आए तो बात करें। प्रधानमंत्री को अगर मन की बात करनी है तो किसानों के मन की बात को जान ले सबसे पहले। सड़क पर यूं ही नहीं डटा है किसान, सड़क पर इसलिए आया है किसान कि तीनों कृषि कानूनों से उसे खतरा लग रहा है। भाजपा के उपवास का जवाब देने के लिए किसान मौन पर भी बैठ गए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि किसानों को पाड़ने का काम मत करो, किसानों की समस्या को समझो, किसानों के दर्द का निवारण करो। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।